अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, आई एम शकूत हुसैन, लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अक़वामे मुत्तहिदा के जो प्रिंसिपल्स हैं वही आज हमें बयान करने हैं, किन प्रिंसिपलों पर अक़वामे मुत्तहिदा बना है। द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एज अंडर अक़वामे मुत्तहिदा के जो मरकजी जो बुनियादी फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर फर्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। अक़वामे मुत्तहिदा अपने मेंबरों की खुद मुख्तारी के असूलों पर मबनी है। जितने भी अक़वामे मुत्तहिदा के मेंबर्स हैं उनकी खुद मुख्तारी बरकरार रहनी चाहिए और हर किसी को और हर मेंबर स्टेट को सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ इट मिलनी चाहिए। इक्वलिटी की बुनियाद पर उनकी जो सॉवरेंटी है, खुद मुख्तारी जो है, यूनिटी जो है, इंटीग्रिटी जो है, फ्रेटर्निटी जो है, वो बरकरार रहनी चाहिए हर एक मुल्क की। नंबर टू, द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल फुलफिल इन गुड फेथ इन द ऑब्लिगेशन इन अकॉर्डेंस विद द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तमाम मेंबर ममालिक अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जिम्मेदारियों पर नेक नीति के साथ अमल करेंगे। जो प्रिंसिपल्स यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में हैं उन तमाम प्रिंसिपलों की जिम्मेदारी हर मेंबर मुल्क नेक नीति के साथ उन पर अमल करेंगे। जिन असूलों पर यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनी है तमाम मेंबर स्टेट उन असूलों को फॉलो करेंगे। ये चार्टर यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? जिस तरह से हर मुल्क का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी तरह से अक़वामे मुत्तहिदा का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम रखा गया है चार्टर। और ये चार्टर जो है इसको 26 जून 1945 में पहले 51 स्टेटों ने साइन किया और आज इस चार्टर को 193 मेंबर मुल्कों ने मेंबर स्टेटों ने साइन किया है। ये चार्टर 10,000 वर्ड्स पर मुश्तमिल है एंड आल्सो डिवाइडेड इनटू 111 आर्टिकल्स एंड इनटू 19 पार्ट्स। नंबर थर्ड, ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर टू बी सॉल्वड थ्रू पीसफुल मैनर्स। तमाम बैनुल अक्वामी तनाज़ात पुर अमन जरिए से हल होने चाहिए। जितने भी डिस्प्यूटेड मेंबर स्टेटों के दरमियान हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, उन डिस्प्यूटों को पुर अमन तरीके से हल करना हर मुल्क की जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी काउंसिल हर साल उसका लिस्ट पेश करता है। जिस तरह से कश्मीर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ आल्सो इंटरनेशनल डिस्प्यूट, फलस्तीन इशू हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, इन तमाम इशूओं को पुरअमन तरीके से हल करना ही इन मुल्कों इन मेंबर मुल्कों की जिम्मेदारी है। नंबर फोर, ऑल मेंबर स्टेट्स मस्ट रेफ्रेन फ्रॉम द यूज़ ऑफ फोर्स इन इन एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तमाम मेंबर ममालिक को किसी भी बैनुल अक्वामी तनाज़े पर ताकत का इस्तेमाल करने से बाज रहना है। यानि अगर इन मुल्कों के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर एक बहुत बड़ा कोर डिस्प्यूट है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को इन दो मुल्कों को पुरअमन तरीके से हल करना है और आपस में जंग किए बगैर जंग से बाज रहने की अपील दी गई है अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से। नंबर फाइव, नॉन इंटरफेरेंस इन